गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम करेंगे काउंटिंग इन हंड्रेड्स। आज मैं दूसरी बार ये रिपीट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हंड्रेड्स की काउंटिंग हम लिखते हैं तो हमने देखना है कि हंड्रेड के प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो हमें उसी तरह से फिर हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं, तो आपको खुद देखना है कि हंड्रेड के प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हम ये हंड्रेड्स की काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे है 201, यानी कि हंड्रेड के प्लेस पे यहाँ पे टू है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 200, 201। ऐसे ही नेक्स्ट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ लिखूंगी मैं 301। यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, यहाँ लिखूंगी मैं 401। यहाँ पे फाइव है, लिखेंगे 501, क्योंकि हमें फ्रंट का नंबर देखना है कि जो हमारे पास फ्रंट का नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे 601, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो हम लिखेंगे 600, 601। फिर यहाँ पे क्या है, 700 के प्लेस पे हम लिखेंगे 701। फिर यहाँ 8 भी 100 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 801। यहाँ पे अब 9 की प्लेस वैल्यू भी 100 है, तो हम लिखेंगे 901। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे इसको 1000। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे ये तीन डिजिट, मतलब यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ 1000 के प्लेस पे 1 आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 1000 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 1s थी, यहाँ पे 10s थी और यहाँ पे 100 थी। तो इन सबों की जो 100 प्लेस वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे 1s, यहाँ 10s, यहाँ 100 और यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000। तो ये हो गई यहाँ पे 1s, 10s, 100 और 1000। 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ चेंज हो गई, ये हो गए 1000। तो इसी तरह से फ्रंट पे जो भी, मतलब जो हमें इनकी प्लेस वैल्यू देखनी होती है जब भी हम ये लिखते हैं। आज का इतना ही, थैंक यू।